हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ नीरज मार्तोलिया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो UKPSC में जो इसका वेटेज है, जो UKPSC में JEE में इसका वेटेज है, वो है 65 से 75 क्वेश्चन का। बट इस बार इसका जो वेटेज हो सकता है, वो हो सकता है 85 से 95 क्वेश्चन तक का, क्योंकि इसके जो FM के जो क्वेश्चन है आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं बहुत ज़्यादा पेपरों में। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। चैप्टर 1 जो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, कि फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहले यार, जो FM में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आएगा, वो आते हैं SI यूनिट्स, इनकी डायमेंशंस और SI यूनिट हो गए, डायमेंशंस हो गए, जो फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला जैसे ट्रायंगुलर नॉच का फार्मूला हो गया, ट्रेपेजोइडल नॉच का हो गया, और हमारे आ जाएंगे मशीन में कि स्पीड क्या होती है, कितने विंग्स लगे रहते हैं, ये सब आते हैं इनमें सबसे ज़्यादा, यही आते हो। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से, कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में क्या क्या है। इसमें सबसे पहले जो लिखना है फ्लूइड के बारे में लिखते हैं। फ्लूइड क्या होता है? एनी सब्सटेंस इन गैसियस और लिक्विड फेस इज कॉल्ड एज फ्लूइड। फ्लूइड क्या क्या हो सकते हैं? फ्लूइड एक तो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, और एक गैस के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, सॉलिड नहीं होता फ्लूइड में। ठीक है, लिक्विड या गैस के फॉर्म में होता है फ्लूइड। गैस हमारे सिलेबस में ही नहीं है, सिर्फ लिक्विड के बारे में पढ़ना हमको। तो सबसे पहले ये लिख लेना, फ्लूइड क्या होता है? एनी सब्सटेंस इन गैसियस या लिक्विड फेस इज कॉल्ड एज फ्लूइड। ठीक है, फिर जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, मैं इसमें पढ़ाऊंगा या जो एग्ज़ाम में आ सकता है वही पढ़ाऊंगा, बाकी डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उतना, इतना ही पढ़ना है कि जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं सारे क्वेश्चन। तो इम्पॉर्टेंट याद रखना, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले रियल फ्लूइड कि रियल फ्लूइड क्या होता है। रियल फ्लूइड होता है अ फ्लूइड विच अ फ्लूइड विच पजेसेस विस्कोसिटी इज नोन एज रियल फ्लूइड ऐसी फ्लूइड जो पजेसेस करती है, जिसके अंदर विस्कोसिटी होती है, उसको हम रियल फ्लूइड कहते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है? रोकने के लिए जो वो होती है उसको कहते हैं हम विस्कोसिटी। जैसे मान लो वाटर है और एक ऑयल है, अब इनको अगर ज़मीन पे फेंकेंगे तो वाटर क्या करेगा? फ्लो करेगा, बट ऑयल क्या एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि इसमें विस्कोसिटी क्या बहुत ज़्यादा है और फ्लो क्या है बहुत कम। और वाटर की बात करेंगे क्या करेगा? फ्लो ज़्यादा करेगा, करता ही जाएगा। तो इसमें क्या है? विस्कोसिटी बहुत कम है और फ्लो क्या है? ज़्यादा है।
क्योंकि जो विस्कोसिटी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लो की। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? फ्लो के। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो फ्लो क्या है हमारा, फ्लो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे ऑयल के केस में विस्कोसिटी ज़्यादा है तो फ्लो कम हो रहा है, और वाटर के केस में क्या है, विस्कोसिटी कम है तो फ्लो ज़्यादा हो रहा है। तो रियल फ्लूड यही है, अ फ्लूड विच पजेसिस विस्कोसिटी इज नोन एज रियल फ्लूड। ठीक है, इसके बाद इसमें आगे लिखना, ऑल द फ्लूड, सेकेंड पॉइंट में ऑल द फ्लूड इन एक्चुअल प्रैक्टिस आर रियल फ्लूड। ये याद रखने वाली चीज नहीं, याद क्या रखना है ये वाले में, रियल फ्लूड में क्या होता है, विच पजेसेस विस्कोसिटी, ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, विच पजेसेस विस्कोसिटी इज नोन एज रियल फ्लूड। आगे आते हैं एक आइडियल फ्लूड, एक रियल फ्लूड हो गया, अब एक आइडियल फ्लूड आता है। एक आएगा कि आइडियल फ्लूड क्या होता है, आइडियल फ्लूड जो आइडियल फ्लूड होता है, अ फ्लूड विच हैव इनकम्प्रेसिबल एंड एक फ्लूड विच हैव इनकम्प्रेसिबल और उसमें नो विस्कोसिटी इज नोन एज आइडियल फ्लूड। कि एक ऐसी फ्लूड जिसमें कंप्रेस भी ना हो रही हो, ये कोई फ्लूड है वो कंप्रेस भी ना हो रही हो और उसमें कोई विस्कोसिटी ना हो, विस्कोसिटी नहीं होगी तो वो फ्लो ही करता रहेगा, उसको कहते हैं आइडियल फ्लूड। पर एक्चुअली में ऐसे कोई फ्लूड एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट फिर भी हम प्रैक्टिस में एयर और वाटर को आइडियल फ्लूड मानते हैं। ठीक है, थ्रोटिकली एयर और वाटर को हम इनकम्प्रेसिबल, ये आइडियल फ्लूड मानते हैं, बट प्रैक्टिस में ऐसे कोई फ्लूड एग्जिस्ट ही नहीं करता। अ फ्लूड विच हैव इनकम्प्रेसिबल एंड नो विस्कोसिटी इज नोन एज आइडियल फ्लूड। ठीक है, किसको, एयर और वाटर को मानते हैं हम। ठीक है, केवल थ्योरेटिकली मानते हैं, प्रैक्टिकल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद आता है हमारे पास एक जो आता है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूड। ये आया हुआ था SJVNL 2019 में, सतलुज जल विद्युत निगम के AE वाले एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन। आइडियल प्लास्टिक फ्लूड में क्या होता है कि अ फ्लूड इन विच जो शियर स्ट्रेस है वो ज़्यादा होता है, इज़ मोर देन यील्ड वैल्यू एंड जो शियर स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन
रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को दूसरा बोलते हैं हम वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, यह आया हुआ था 2019 में कि शियर स्ट्रेस जो होगा वो बड़ा होगा किससे, यील्ड वैल्यू से। ठीक है, शियर स्ट्रेस किससे बड़ा होगा, यील्ड वैल्यू से। ये वाली लाइन याद रखना, शियर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू एंड जो शियर स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को क्या बोलते हैं हम, दूसरा नाम क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। यही आता है, या तो कभी ये आ जाएगा या तो कभी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन आ जाएगा, तो याद रखना। ठीक है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूड के बारे में कि द फ्लूड इन विच जो शियर स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा होता है यील्ड वैल्यू से, और शियर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को और क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। हम फिर विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड के बारे में, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड के बारे में कि विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होता है। यही बताया था मैंने आपको, विस्कोसिटी क्या होता है, रजिस्ट टू फ्लो। ठीक है, इसके बारे में लिखना, विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। अब क्या वाला, क्या बोल रहा है ये, जैसे वाटर का केस ले लो, तो वाटर क्या करता है, जैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आगे को फ्लो करने की कोशिश करता है ना, क्योंकि उसमें विस्कोसिटी कम होती है, फ्लो ज़्यादा होता है वो। ऑयल के केस में देखेंगे, अगर यहाँ पे हम ऑयल गिरा दें तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के वहीं पर इकट्ठा होने लग जाएगा। ठीक है, फ्लो नहीं करेगा वो, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या है, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है और फ्लो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है, विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर, ये याद करने वाली चीज़ है, रेजिस्टेंस टू मूवमेंट, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को चढ़ने से, आगे फ्लो होने से रोकता है, कौन, विस्कोसिटी। ठीक है, आगे बढ़ने से रोकना मतलब रेजिस्ट टू फ्लो। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है इसमें। फिर इसमें सेकेंड पॉइंट लिखना, जो सेकेंड पॉइंट लिखना है वो लिखना है, एज पर न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये भी आ सकता है, विस्कोसिटी का लॉ किसने दिया है, न्यूटन ने। ठीक है, विस्कोसिटी का लॉ किसने दिया है, न्यूटन ने, ये भी आ सकता है एग्ज़ाम में। तो इसमें क्या होता है, जो शियर स्ट्रेस होता है इन फ्लूइड, जो शियर स्ट्रेस होता है फ्लूइड में, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर डिफॉर्मेशन के, किसके, एंगुलर डिफॉर्मेशन के। ठीक है, एंगुलर डिफॉर्मेशन के। विस्कोसिटी
लॉ किसने दिया है? न्यूटन ने दिया हुआ है। जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एंगुलर डिफॉर्मेशन के। ठीक है, कैसे? जो टाव होता है, टाव मतलब शियर स्ट्रेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एंगुलर डिफॉर्मेशन को। ठीक है, जो एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है वो किसके बराबर होता है? डी यू वाई डी वाई। ठीक है, डी यू वाई डी वाई के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा? म्यू अपॉन डी यू बाई डी वाई आ जाएगा। जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है, एक ये भी याद कर लेना, किसके शियर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है? एंगुलर डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा? म्यू डी यू बाई डी वाई। म्यू क्या होता है? जो म्यू होता है उसको हम क्या क्या बोलते हैं? एक तो होता है इसका नाम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी नाम होता है। दूसरा नाम होता है इसका कॉफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी। और तीसरा नाम क्या होता है इसका? डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी। अब क्या होता है कि अगर जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है वो 1 के बराबर हो जाए, इफ़ एंगुलर डिफॉर्मेशन 1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? अगर ये 1 हो गया तो डी यू बाई डी वाई भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ये 1 हो गया तो टाउ किसके बराबर हो जाएगा? म्यू के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा ना, टाउ किसके बराबर हो जाएगा? म्यू के बराबर। टाउ क्या है? शियर स्ट्रेस है। और म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, या इसको हम डायनामिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी। ये आ सकता है क्वेश्चन में कि अगर एंगुलर डिफॉर्मेशन, क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाएगा कि अगर एंगुलर जो डिफॉर्मेशन है वो 1 के बराबर हो जाए तो शियर स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? म्यू के बराबर। म्यू के क्या क्या नाम होते हैं? डायनामिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ठीक है, अब जो ये होता है कि जो डी यू वाई डी वाई है क्या है वो, इसी को बोलते हैं हम वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। इसका एक और नाम होता है, या हम इसको बोल देते हैं रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। डी वाई को क्या क्या बोल सकते हैं हम? वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल सकते हैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बोल सकते हैं और रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं। ये तीनों नाम याद रखना। ठीक है, मैं लिखा देता हूँ ढंग से, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कभी ऐसा आ गया कि शियर कुछ भी पूछ लेगा क्वेश्चन में तो उसमें लिखा होगा आंसर में कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, या शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, कोई भी आ सकते हैं। तो ये सारे नाम याद रखना, जो डी यू बाई डी वाई होता है उसके क्या क्या नाम होते हैं। पहला तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, दूसरा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, तीसरा रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। जो याद करने वाली चीज़ें हैं यही है। ठीक है, उसके बाद कि अगर एंगुलर डिफॉर्मेशन 1 हो जाए तो शियर स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगा? म्यू के बराबर हो जाएगा। म्यू के क्या क्या नाम है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी,
तीसरा क्या नाम है, सॉरी वेलोसिटी बोलो, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। अगर पहले मैंने वेलोसिटी बोल दिया होगा तो उसको सही कर लेना, विस्कोसिटी बोल देना, विस्कोसिटी होता है, ठीक है। फिर आता है जो मेन चीज़ है जो याद रखना है, अब यहाँ से याद रखना है, जो याद रखना है अच्छे से, वो क्या है, यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी जो याद रखना है। तो ऐसा ही यूनिट होगा इसका, वो क्या होगा, वो होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा हम बोलते हैं पास्कल सेकंड, ठीक है, क्या होता है पास्कल सेकंड, ठीक है, ये याद रखना, ये याद आते हैं एग्ज़ाम में, यही पूछे जाएंगे। पहला क्या होता है ऐसा यूनिट विस्कोसिटी का, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दूसरा क्या होता है पास्कल सेकंड। अब कभी कभी जो ए के एग्ज़ाम में पूछते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा आगे का पूछते हैं एक थोड़ा, तो अगर वहाँ पर जैसा आ गया कि एक पास्कल कितने के बराबर होता है, ठीक है, एक पास्कल कितने के बराबर होता है, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है एक पास्कल, ये भी याद रखना, एक पास्कल किसके बराबर होता है, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, ये याद रखना। अब आगे चलो, इतना लिख दिया, विस्कोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल सेकंड होता है, और एक पास्कल कितने के बराबर होता है, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बाद आगे आगे चलते हैं, आगे जो है इसमें एम के एस यूनिट है, दूसरा डालना है एम के एस, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड, ये लेंथ के टर्म में है, ये मास के टर्म में है, पता है ना, मास को कैसे दर्शाते हैं केजी में, और वेट को कैसे दर्शाते हैं न्यूटन में, ठीक है। सेकंड किसके टर्म में है, टाइम के टर्म में, मास को केजी में, वेट को न्यूटन में दिखाते हैं। तो अगर एम के एस यूनिट देखें इसके, तो क्या होता है, ये होता है किलोग्राम फोर्स सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये याद रखना है एम के एस यूनिट में, के जी एफ सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो एक के जी एफ होता है किलोग्राम फोर्स, वो किसके बराबर होता है, वो 9.81 न्यूटन के बराबर होता है, 9.81 न्यूटन के बराबर होता है, ये भी याद रखना। एम के एस यूनिट विस्कोसिटी की क्या होगी, के जी एफ सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और जो एक के जी एफ होता है वो किसके बराबर होता है, वो 9.81 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। फिर इसकी एक सी जी एस में भी यूनिट होती है, सी जी एस, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, ये किसके टर्म में है, लेंथ के टर्म में, ये किसके टर्म में है, मास के टर्म में है, ये किसके टर्म में है, टाइम के टर्म में, ठीक है। तो जो इसकी सी जी एस यूनिट होती है वो होती है पॉइस, क्या होती है पॉइस, जो याद करने वाली चीज़ है, विस्कोसिटी की सी जी एस यूनिट क्या होती है पॉइस, ठीक है। और अगर एक स्टेप आगे ले जाए क्वेश्चन पूछने वाला, तो वो क्या पूछेगा कि एक पॉइस कितने बराबर होता है, एक पॉइस कितने के बराबर होता है, वो होता है 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यही होता है ना, एक मिनट जरा मैं देख लेता हूँ एक बार, एक पॉइस बराबर होता है, हाँ यही होता है, एक पॉइस, हाँ यही होता है, ठीक है ठीक है ठीक है, एक न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पॉइस को हम ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे में भी दिखा सकते हैं,
पॉइस क्या होता है, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी लिखा सकते हैं। विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट पॉइस या तो डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पॉइस किसके बराबर होता है, 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसको 0.1 के फॉर्म में भी आता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये याद रख लेना, यही पूछेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हैं नोट वाली, वो लिखना, इसी के अंदर लिखना नीचे से जो नोट में है कि 1 पास्कल सेकंड किसके बराबर होता है, 1 पास्कल सेकंड बराबर होता है 10 पॉइस के बराबर होता है, ठीक है। 1 पास्कल सेकंड किसके बराबर होता है, 10 पॉइस के बराबर होता है। और 1 पॉइस में कितना होता है, 100 सेंटीपॉइस। 1 पॉइस में कितना होता है, 100 सेंटीपॉइस होते हैं। 1 पॉइस में कितना होते हैं, 100 सेंटीपॉइस होते हैं, 100 सेंटीपॉइस होते हैं, ठीक है, ये याद रख लेना। 1 पॉइस में कितने होते हैं, 100 सेंटीपॉइस होते हैं। 1 पास्कल सेकंड किसके बराबर होता है, 10 पॉइस के बराबर होता है। और 1 सेंटीपॉइस बताए तो 1 सेंटीपॉइस किसके बराबर होगा, 1/100 पॉइस के बराबर होगा, ये यहाँ से नीचे आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सेंटीपॉइस किसी भी फॉर्म में आ सकता है, सब में याद रखना पड़ेगा, 0.01 पॉइस, ये भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, ये याद रखना, ये चारों याद रखना। यूनिट का ही खेल है पूरे FM में। जो 1 पास्कल सेकंड होता है कितना होता है, 10 पॉइस होता है। 1 पॉइस कितना होता है, 100 सेंटीपॉइस होता है। 1 सेंटीपॉइस में कितना होता है, 1/100 पॉइस, जिसको हम 0.01 पॉइस भी लिखते हैं, ठीक है। और एक और आता है, 1 पास्कल सेकंड में 1000 सेंटीपॉइस होते हैं, 1000 सेंटीपॉइस होते हैं, ठीक है, पॉइस, 1000 सेंटीपॉइस होते हैं, यहाँ पे आई लगा लेना, ठीक है। 1 पास्कल सेकंड में कितना होता है, 1000 सेंटीपॉइस होते हैं। अब एक नोट पॉइंट जो आजकल ट्रेंड में चल रहा क्वेश्चन, ये पूछा था किसी एग्ज़ाम में, वो पूछा था कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर, जो विस्कोसिटी होती है वाटर की कितने पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे, वो कितनी होती है पॉइस के टर्म्स, वो होती है 0.01 पॉइस, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 101 सेंटीपॉइस, ठीक है। क्या पूछा था क्वेश्चन, कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस पॉइस के टर्म में पूछा था कितना होता है, याद रखना कितना होता है, 0.01 पॉइस किसके बराबर होता है, 1 सेंटीपॉइस, ये दोनों याद रखना, जो याद रखने वाली बता रहे। एक और चीज़ याद रखने वाली है, जो 1 न्यूटन होता है वो किसके बराबर होता है, 10^5 डाइन के बराबर होता है, ठीक है, 10^5 डाइन के बराबर होता है, ये भी याद करने वाली चीज़ है, ये भी याद करने वाली चीज़ है, ये लिख लेना। फिर उसके बाद आता आगे, फिर आता है हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी। एक तो होता है डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है, आई बताया था मैंने आपको, किसके टर्म में करते हैं, म्यू की टर्म में, किसके टर्म में, म्यू की टर्म में इसको लिखते हैं। और एक होता है हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम किस में ऐसे लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम न्यू, इसको म्यू, इसको न्यू बोलते हैं, ठीक है। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू अपॉन डेंसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, ठीक है, क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी होता है ना। उसके बाद जो इसमें लिखने वाली चीज़ है, अगर ये तो हो गया, अभी इसकी थ्योरी लिखाऊंगा, एक मिनट रुक जाना, ठीक है।
जो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी कैसे निकलेगा? ये निकलेगा मास ऑफ फ्लूड, फ्लूड की जो मास होगी अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूड ये निकलता है। एफएम में जो स्टैंडर्ड फ्लूड होता है, जो स्टैंडर्ड फ्लूड एफएम में जिसको स्टैंडर्ड फ्लूड बोला जाता है, वो किसको मानते हैं? वो हम मानते हैं वाटर को। वाटर की सबसे ज़्यादा डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000। ये सब याद रखना, ठीक है। इसको दोनों टर्म में याद रखना, केजी के टर्म में, ग्राम के टर्म में। तो अगर हम वाटर की देखें, डेंसिटी ऑफ वाटर लिखें, याद रखना एफएम में जो स्टैंडर्ड फ्लूड लिक्विड होता है, फ्लूड होता है, वो क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो लिखेंगे अगर हम 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या तो 1000 kg per meter cube, हाँ ठीक है। डेंसिटी ऑफ, ये बॉक्स बनाने लगा, इम्पॉर्टेंट है ये बहुत, कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 kg per meter cube, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम किस टर्म में डिनोट करते हैं? न्यू के टर्म में। उसको डायनेमिक को म्यू के टर्म में। तो लिखना जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, ठीक है, किस टर्म में? न्यू के टर्म में, ठीक है, न्यू के टर्म में, उसको म्यू के टर्म में। अब क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसका पढ़ेंगे रेशियो बिटवीन द डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो आपको अभी बताया था मैंने, म्यू इक्वल्स टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, ठीक है, म्यू अपॉन डेंसिटी, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये आगे इसका एक क्वेश्चन भी आता है, अगर आपने एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर देखा होगा, उसमें आया हुआ था कि उसमें म्यू की वैल्यू दे रखी थी 0.5 और डेंसिटी दे रखी थी हमको किसी फ्लूड की 0.5। हमसे पूछ लेते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी बताओ, तो कैसे निकलेगा वो? 0.5 / 0.5 वन आंसर आ जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में आएगा। तो जो अब इसके लिखना, जो याद करने वाली चीज़ है, एक तो ये फॉर्मूला याद रख लेना कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन डेंसिटी, ये याद रखना। अब याद क्या रखना है? MKS यूनिट, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, लेंथ की टर्म, केजी की, मास की टर्म और टाइम की टर्म में। तो इसका जो MKS यूनिट होता है, या इसको हम SI यूनिट भी बोलेंगे, जो इसका टर्म होता है वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये याद रखना, ये बहुत पूछता है एग्ज़ाम में, सारा खेल इसी का है, यूनिट का खेल है इसमें। और CGS में देखेंगे तो CGS में क्या हो जाएगा? मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। तीसरा, ये तो CGS में, ये MKS में, जो CGS में जो बात होगी, इसको एक और टर्म, इसका यूनिट होता है, वो होता है स्टॉक। डायनामिक का क्या होता है? पॉइस। काइनेमेटिक का क्या होगा? स्टॉक, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। तो अब आगे लिखते हैं कि जो एक स्टॉक होता है कितने के बराबर होता है? वो 100 सेंटी स्टॉक के बराबर होता है, ठीक है। एक स्टॉक कितने के बराबर होता है? एक स्टॉक बराबर होता है 100 सेंटी पॉइस के बराबर, ठीक है। और एक स्टॉक जो होता है वो क्या होता है?
10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये याद रखना, एक स्टॉक कितने के बराबर होता है, 10 के पावर 4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक स्टॉक किसके बराबर होता है, 1000 सेंटी स्टॉक के बराबर। एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, एमकेएसवी। और जो सीजीएस होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या तो स्टॉक। फॉइस किसका होता है, फॉइस किसका होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी का होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये याद कर लिया, बाकी आगे रुकना एक मिनट, बाकी जो आगे है फिर आते हैं। न्यूटेनियन फ्लूड क्या होता है, न्यूटेनियन फ्लूड, न्यूटेनियन फ्लूड क्या होता है, जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है वो न्यूटेनियन फ्लूड होता है, जो नहीं करता वो नॉन न्यूटेनियन होता है। तो इसमें लिखना, अ फ्लूड इन द फ्लूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अ फ्लूड इन विच जो शियर स्ट्रेस होता है डायरेक्टली, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन जिसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इज नोन एज न्यूटेनियन फ्लूइड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब न्यूटन्स का लॉ में बता रहा था मैं, न्यूटन्स के लॉ में ये फॉलो करता है न्यूटन्स के लॉ को। ठीक है, न्यूटेनियन फ्लूइड, तब इसका नाम न्यूटेनियन फ्लूइड है। उसमें क्या बताया था मैंने, टाओ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर डिफॉर्मेशन के। जो एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है वो किसके बराबर होता है, डी यू बाई डी वाई का नाम क्या होता है, या तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या तो रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, या तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ये लिख लेना, अ फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, यही क्वेश्चन आता है। उसमें कुछ भी आ जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली पर, उसमें लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन नाम हो सकता है, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन नाम हो सकता है, या वेलोसिटी ग्रेडियंट हो सकता है। वो कौन सा फ्लूइड होता है, वो न्यूटेनियन फ्लूइड होता है। ठीक है, न्यूटेनियन फ्लूइड। तो इसमें लिखना, ठीक है, इसमें जो दूसरा पॉइंट लिखना, जो दूसरा पॉइंट है इसमें वो क्या होता है, फ्लूइड विच फॉलोज न्यूटन्स लॉ, न्यूटन लॉ इज नॉन एज न्यूटेनियन फ्लूइड, इज नॉन एज न्यूटेनियन फ्लूइड। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज ओबे द न्यूटन्स लॉ, कौन सा होता है, न्यूटेनियन फ्लूइड। अब न्यूटेनियन फ्लूइड के एग्जांपल जो जो हैं वो लिख लेना, एग्जांपल क्या क्या होते हैं इसके, एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, केरोसिन हो गया, ग्लिसरीन हो गया, और मरकरी हो गया, मरकरी हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, न्यूटेनियन फ्लूइड के एग्जांपल हैं। न्यूटेनियन फ्लूइड क्या होता है, जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, दूसरा जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को और किस नाम से जानते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं, या रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो इसका फॉर्मूला होता, फॉर्मूला आपको पहले बताया था, टाओ इक्वल्स टू म्यू अपॉन डी यू बाई डी वाई,
इसमें क्या हो रहा है, जो टाव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डी यू बाई डी वाई के, है ना। क्योंकि टाव क्या होता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन के बराबर होता है। जो इसमें याद रखने वाली चीज़ थी वो यही है जो मैंने आपको बताया अभी, याद रख लेना। और जो इसमें वो था कि अगर जो है, हाँ ये वाली बात, कि अगर एंगुलर डिफॉर्मेशन, अगर एंगुलर डिफॉर्मेशन जो है एक के बराबर हो जाए, एंगुलर डिफॉर्मेशन एक के बराबर हो जाए तो टाव किसके बराबर हो जाएगा, म्यू के बराबर हो जाएगा। म्यू क्या हमारे पास, डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। इसी को दूसरा नाम है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। अगर मैंने पिछले कहीं वेलोसिटी बोल दिया होगा तो सही कर लेना, विस्कोसिटी था वो, गलती से बोल दिया था मैंने। डायनेमिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं हम इसको, म्यू को, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन न्यूटेनियन फ्लूड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आएगा नॉन न्यूटेनियन फ्लूड क्या होता है, यही याद करना है, यही आएंगे एग्जांपल में से, पेपर में सारे यही आएंगे। फिर आता है हमारे पास नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड, उसका वाइस वर्सा होगा, ये क्या होगा, फ्लूइड इन विच द शियर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट, या इसको रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन भी कहते हैं, इज नोन एज नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड। उसको क्या कहते हैं, नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड, जो जिसमें क्या होता है, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, जो शेयर स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल नहीं होता रेट ऑफ शेयर स्ट्रेंस वेलोसिटी ग्रेडियंट, इज नोन एज नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड, ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट लिखना, इसमें सेकंड पॉइंट लिखना था फ्लूइड विच डू नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ इज नोन एज नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड। अब जो जो फॉर्मूला था, जो रियल फॉर्मूला है उसका, कौन सा वाला, टाओ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई का जो फॉर्मूला होता है, जो मेन फार्मूला होता है, उसमें क्या होता है, पावर एन भी होती है जो मेन फार्मूला है। बट क्या होता है, न्यूटेनियन फ्लूइड में जो होता है एन क्या होता है, वन होता है। तो एन की जगह वन लिखो ना लिखो, बात तो बराबर है। पर जो नॉन न्यूटेनियन होता है उसमें जो क्या होता है, एन की वैल्यू या तो वन से बड़ी होगी या तो एन से छोटी होगी। ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। इसी से पता चलता है हमको कि रियोपैटिक है कि वो है बकिंगम है कि कौन सा वो है, इसी से पता चलेगा। अब जो है एक जो डायग्राम है वो याद रख लेना यार, ये एग्ज़ाम पे आते ही आता है। पर उससे पहले, अच्छा लास्ट में लिखा दूँगा वो जो याद करने वाली चीज़ है, जो एग्ज़ाम में आती ही आती है, इसके एग्ज़ाम्पल पूछे जाएंगे बहुत ज़्यादा। क्या होता है, यह आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन किस क्या दर्शाता है, ये न्यूटेनियन फ्लूइड, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ज़रा ग्राफ ऊपर तक ले जाता हूँ। यही आता, इसमें से एग्ज़ाम्पल पूछेंगे, ये याद रखना, अभी लिखाऊंगा मैं आपको।
ठीक है, न्यूटेनियन फ्लूड कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो ये नीचे वाला क्या होता है हमारे पास, ये होता है डायलेटेंट, डायलेटेंट। ऊपर होता, ऊपर वाला होता है सूडो प्लास्टिक, ठीक है, सूडो प्लास्टिक न्यूटेनियन डायलेटेंट। फिर यहाँ पे भी एक बनता है, इसको बोलते हैं हम बकिंगम प्लास्टिक, बकिंगम प्लास्टिक। नीचे वाला होता है हमारे पास थिक्सोटोरपी, थिक्सो सॉरी ऊपर वाला होता है थिक्सोटोरपी, थिक्सो ट्रॉपिक, थिक्सोट्रॉपिक। और नीचे वाला होता है रियो पैटिक, क्या होता है रियो पैक्टिक, ठीक है, ये याद रखना। इसमें जो एन की वैल्यू होती है, ऊपर वाले में जो एन की वैल्यू होती है वो लेस देन वन होती है, एन की वैल्यू इक्वल्स टू वन होती है, एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है। वैसी इसमें होगी एन की वैल्यू लेस देन वन होगी, एन की वैल्यू इक्वल्स टू वन होगी, और एन की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन वन होती है, ठीक है। ये क्या होता है, ये डी यू बाई डी वाई होगा, ये क्या होगा हमारे पास शियर स्ट्रेस होगा, ठीक है। अब इसमें जो लिखना है हमको, ये लिख लेना आप, अब जो लिखना है वो इम्पोर्टेंट है। ये डायग्राम भी याद रखना, कौन सा डायलेटेंट नीचे होता है कि सूडोप्लास्टिक नीचे होता है, ये आते हैं क्वेश्चन में, पेपर में पूछ लेगा ऐसा कुछ बना के, ये 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 क्या होता है लिख देगा ए बी सी डी, बोलेगा नाम बताओ, तो ए क्या हो गया डायलेटेंट, बी क्या हो गया न्यूटेनियन, सी क्या हो गया मतलब सूडोप्लास्टिक, डी क्या हो गया मतलब बकिंगम। अगर पूछ ले ये वाला क्या होता है, ये क्या होता है ये रियोपैटिक, रियोपैटिक, ये क्या होता है टिक्सोटॉर्पिक, टिक्सोटॉर्पिक, ये याद रखना, ठीक है। अब जो इसमें याद करने वाली चीज़ है वो है इसके एग्जांपल्स, वो क्या है इनके एग्जांपल्स, तो याद रखना। सबसे पहले, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करना, थिक्सो ट्रॉपिक, थिक्सो ट्रॉपिक में जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं इंक हो गया, कैचअप हो गया, कैचअप हो गया या इनेमल्स हो गया, ये सब किस्म आता है थिक्सोटोरपी में। क्या क्या आते हैं, इंक हो गया, कैचअप हो गया, इनेमल्स हो गया, ठीक है, ये आएंगे एग्जाम में, थिक्सोटोरपी हो गया। फिर आ गया बकिंगम प्लास्टिक में, क्या क्या आएंगे, बकिंगम प्लास्टिक में, जो बकिंगम प्लास्टिक में क्या क्या आ सकते हैं, बकिंगम प्लास्टिक में है एक तो सीवेज, स्लज हो गया, जो ड्रिलिंग मड हो गया, कीचड़ होता है जिसको बोलते हैं ड्रिलिंग मड, जेल हो गया जो हम बालों में लगाते हैं, टूथपेस्ट हो गया, टूथपेस्ट हो गया, या तो क्रीम हो गया, ये सब किस में आएंगे बकिंगम प्लास्टिक में आएंगे, किस में आएंगे बकिंगम प्लास्टिक में आएंगे, ठीक है। थर्ड आ गया हमारे पास रियोपैटिक, रियो पैटिक, इसमें क्या क्या आएगा, जिप्सम इन वाटर, जिप्सम तो पता होगा ना बीएमसी में, जिप्सम इन वाटर या बेंटोनाइट, बेंटोनाइट स्लरी, बेंटोनाइट ही पता होगा, सॉइल में याद करा होगा, ब्लैक कॉटन सॉइल। फिर होता है फोर्थ सूडो प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक में क्या क्या आता है, एक तो पेंट आ जाएगा, पेपर आ जाएगा, पल्प आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा, सिरप आ जाएगा,
सिर्फ जो खांसी वाली सिर्फ होती है जो हम पीते हैं वही, उनको भी, वो भी इसमें आता है सूडो प्लास्टिक में। सिर्फ हो गया, पॉलीमर्स हो गया, लिपस्टिक हो गया जो लड़की यूज़ करते हैं, लिपस्टिक, नेल पेंट हो गया, नेल पेंट हो गया, ये सारे एग्जांपल याद रखना, नेल पेंट हो गया, ठीक है। फिर होता है डाइलेटेंट, 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 ठीक है, डाइलेटेंट। डाइलेटेंट में क्या क्या आएगा, क्विक सैंड हो गया एक, तो क्विक सैंड कंडीशन पढ़ा होगा आपने, सॉइल में केवल एक कंडीशन होती है, ठीक है। शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर और किसको, बटर, एग्जांपल क्या था, बटर आता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ और है जो याद करने वाली चीज़ है, इसमें एक और चीज़ है जो याद करने वाली चीज़ है, ये सब लिख लेना। ठीक है, जो याद करने वाली चीज़ है वो है, कुछ टर्म्स है लास्ट, ये लिख लेना, उसके बाद आज के लिए छोड़ देंगे। जो नोट पॉइंट है ये पूछा जाएगा, जो सूडो प्लास्टिक होता है, सूडो प्लास्टिक होता है, उसका नाम क्या होता है, शीयर थिनिंग, उसका नाम क्या होता है, शीयर थिनिंग, ठीक है, क्या नाम होता है, शीयर थिनिंग, शीयर क्या कर, शीयर थिनिंग, शीयर थिनिंग, शीयर थिनिंग होता है इसका नाम, ठीक है। क्यों होता है, इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, इसके एग्जांपल हैं जैसे ब्लड हो गया, अगर हम ब्लड में पानी डालेंगे क्या होगा, बहुत पतला हो जाएगा वो, पानी डालेंगे तो पतला होता चला जाएगा। जैसे हो गया हमारे पास पेंट हो गया मान लो, अब पेंट में हम कुछ ज़्यादा टर्पेंट कुछ भी मिला दें, पानी पुनी मिला दें तो क्या होगा, पतला हो जाएगा। पेपर हो गया, पेपर है हमारे पास कागज़ समझ लो, पानी डाल देंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल पतला हो गया, टूटने फटने लग जाएगा, ठीक है। वैसी इसका नाम क्या होता है, शीयर थिनिंग। दूसरा है ये याद रखना, दूसरा नाम, ये नाम याद रखना, ये आएंगे एग्जाम पे, डाइलेटेंट के नाम में, जो डाइलेटेंट में होता है उसका नाम क्या होता है, शीयर थिकिंग, थिकिंग, शीयर थिकिंग, ठीक है। मान लो अगर हम शुगर का कोई घोल बना रहे हैं, ठीक है, उसमें पानी मिलाएंगे तो जितना पानी मिलेंगे वो गाढ़ा गाढ़ा होता जाएगा, उतना गाढ़ा होता जाएगा, ठीक है, शुगर का घोल, ये याद रखना। उसके बाद जो लिखने वाली पॉइंट है, ये भी पूछा जाता है, एई के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हो सकता है अब जेई के एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो लिखना पहला नोट पॉइंट में कि जो स्टडी ऑफ नॉन न्यूटेनियन फ्लूड होता है, नॉन न्यूटेनियन फ्लूड होता है, नॉन न्यूटेनियन फ्लूड की स्टडी को क्या कहते हैं हम, रियोलॉजी, क्या बोलते हैं, रियोलॉजी, रियोलॉजी, ठीक है, रियोलॉजी, ये याद रखना। तो बाकी और भी हो कुछ, तो बाकी कल के लिए, बाकी फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार ये लिख लेना यार, पहले तो कि थिक्सोटोरेपी में क्या क्या आता है, इंक आता है, कैचअप आता है, एनिमल्स आता है, ठीक है। सूडो प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, शीयर थिनिंग बोलते हैं, और डाइलेटेंट को क्या बोलते हैं, शीयर थिकिंग बोलते हैं, ठीक है, शीयर थिनिंग, शीयर थिकिंग याद रखना। और जो नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड की स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रियोलॉजी, हम क्या बोलते हैं, रियोलॉजी। बाकी फ्रेंड वीडियो पसंद आई होगी तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भेजना। बाकी मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, फालतू का कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, थैंक यू।